Hello friends, I will now discuss question number 36 of the topic classification of elements. The size of isoelectronic species F- Ne and Na+ is affected by. तो हमें यहाँ पर तीन आपके species दिए हुए हैं, F- ion है, neon का atom है और Na+ ion है. ये तीनों जो species हैं, these are isoelectronic species. तो इनका size किस factor की वजह से affect होता है? तो मैं एक बार पूरा डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूं. F, Ne और Na+ मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया. सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर देखते हैं. फ्लोरीन का 9 होता है, नियॉन का 10 होता है और सोडियम इज 11, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो उसमें F- आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10. नियॉन में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 10 जो है आपका 2.8 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में सेम है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी तीनों केसेस में सेम है. हालांकि इनके साइजेस अलग होते हैं, वो डिस्कस करते हैं क्यों. क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिफरेंट है. फ्लोरिन के केस में इट इज 9, नियॉन के केस में 10 और सोडियम के केस में 11. न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, आउटर शेल को न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल का साइज छोटा हो जाता है. तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो साइज कम है. तो Na+ के कंपैरिजन में नियॉन का साइज बड़ा होता है, और नियॉन के कंपैरिजन में फ्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, यानी कि F- आयन का साइज और भी बड़ा होगा. तो यहाँ से हमने ट्रेंड भी देख लिया है और ये रियलाइज किया है कि जो साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है, इट डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर चार्ज. सो ऑप्शन ए इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.